टमाटर की कीमतों में आग लगी हुई, वही बढ़ती कीमतों के बाद किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि टमाटर की सुरक्षा के लिए दुकानदार को बाउंसर लगाने पड़ जाएंगे। इन तस्वीरों को देखने के बाद हैरान रह जाएंगे। पहले आप ये वीडियो देखें। किलो का भाव 140। अरे सबदा एक हुआ क्या करो, एक पाव एक काम चलाई 100 ग्राम ला, एक किलो तो ज्यादा हो गया। 10 से परिवार है, 100 ग्राम में हो ही दरअसल ये वीडियो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की संसदीय क्षेत्र वाराणसी से सामने आया, जहां एक सब्जी विक्रेता ने 2 बाउंसर सिर्फ इसलिए लगाए कि वो उन ग्राहकों को महंगे टमाटर से दूर रख सके जो उनकी कीमतों को लेकर दुकानदार से बहस करते। वह इस वीडियो को सभा मुखिया अखिलेश यादव ने भी शेयर करते हुए भाजपा सरकार से मांग की कि वो टमाटर को जेड श्रेणी की सुरक्षा दे। वहीं जब वाराणसी में टमाटर की सुरक्षा के लिए लगाए गए बाउंसर के फोटो और वीडियो वायरल हुए तो पुलिस सब्जी वाले को ही उठा लाई। हालांकि बाद में पता चला कि ये बाउंसर सपा कार्यकर्ता ने रखे। सपा कार्यकर्ता ने टमाटर के पास 2 बाउंसर को खड़ा करके महंगाई को लेकर अनोखा विरोध प्रदर्शन किया। इसके बाद पुलिस सब्जी वाले को थाने ले आई। इसकी जानकारी होने पर सपा मुखिया अखिलेश यादव ने यूपी सरकार और पुलिस पर सवाल खड़े करते हुए ट्वीट किया कि वाराणसी में महंगाई जैसे जनहित के विषय पर सरकार का ध्यान आकर्षण करने वाले सब्जी वाले को थाने में बैठाना कहां तक उचित है। इस समाचार के फैलने से प्रदेश भर के समस्त सब्जी विक्रेता आक्रोशित हो रहे हैं। उस सब्जी वाले को तुरंत छोड़ा जाए। बहरहाल ये मामला अब तूल पकड़ता जा रहा है। आपका इस मामले पर क्या कुछ कहना है हमें कमेंट करके जरूर बताएं।